दोस्तों बिग बॉस 17 दिल दिमाग और दम का खेल, और इसी खेल में जो खेलने के लिए खिलाड़ी घर के अंदर आए थे उनमें अब काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई है। कुछ लोग जो इंडिविजुअल गेम खेलते थे वो गैंग अप हो गए हैं। कुछ लोगों को डबल चेहरा जो है डबल फेस चेहरा सामने आया है। कुछ लोगों की एक्स की एंट्री हुई, अब दोबारा से फिर एक्स की एंट्री हो चुकी है, और किस अभी सारा घर जो है थोड़ा असमझ में है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इस चीज़ से परेशान है कि आखिर घर में अब क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन साथ नहीं है, और कौन साथों के भी साथ नहीं है। कशिश पांडे काफ़ी बारीकी से फॉलो कर रही है बिग बॉस 17 को। पिछला सीजन MC स्टैन ने जीता था, शिव ठाकरे रनर अप रहे थे, अब्दू भी रनर अप रहे थे। तो कशिश, ये सीजन किसका पलड़ा भारी लग रहा है, और कौन आप टॉप 3 फाइनलिस्ट देखते हैं, और क्या चल रहा है घर में? सबसे पहले तो ये बिग बॉस का सीजन 17 बिल्कुल इस अभी तक हमें इतना हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इसमें गेम क्या कौन है? किसका है, गेम कौन क्या खेल रहा है, कौन किसका सगा है, कौन किसका दोस्त है, किसका लव एंगल चल रहा है। ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है पल्ला अगर किसी का भारी है तो वो मुनव्वर और अंकिता। वो डे फर्स्ट से ही जो है लेकिन मुनव्वर को कशिश लगा था ट्रोल भी करा जा रहा है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए, तो वो क्या मुद्दा था, एक बार बताएंगे आप ऑडियंस? उनको इसलिए ट्रोल करा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आयशा खान ने घर के बाहर से उनपे एक इल्जाम लगाया, आरोप लगाया था कि वो टू टाइमिंग कर रहे थे विद नाजिला। नाजिला से उनका डबल ब्रेकअप हो गया डेटिंग। था। हाँ, नाजिला से ब्रेकअप हो गया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद इनसे बात करते थे आयशा खान से, और साथ साथ नाजिला से भी बात करते थे। तो आयशा खान ने ये उनपे आरोप लगाया कि वो टू टाइमिंग कर रहे थे उनके साथ। फिर अब वो घर के अंदर जब उन्हें एंट्री कर ली है, तो एंट्री करने के बाद सबको यही लगा कि बिग बॉस को भी यही लगा होगा कि अंदर जाके कुछ अब तड़का देखने को मिलेगा, मसाला की अब लड़ाई होगी इन दोनों की, मुनव्वर कुछ ना कुछ करेंगे। अंदर जाके बिल्कुल ठंडी हो गई हैं आयशा खान, और कहीं ना कहीं जो है ना अब उनकी इशारों इशारों में बात चल रही है, वो उनके कहने पर हर चीज़ हो रही है, दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। तो वो ऑडियंस को भी ये लग रहा है ना कहीं आयशा खान ने ये मुद्दा इसलिए उठाया ताकि वो बिग बॉस के घर में एंट्री और करे। कशिश बात की जाए तो वो बात की जाए, एक तो अंकिता लोखंडे हैं और दूसरी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गैंग अप करके अंकिता ईशा लोखंडे मांडिया, ईशा जो दोनों ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या शर्मा को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐश्वर्या शर्मा को कोई टारगेट नहीं कर सकता। मैं डे वन से ही बिग बॉस का सीजन देख रही हूँ क्योंकि मेरा काम है इनको फॉलोअप करना। तो कहीं ना कहीं जो ऐश्वर्या शर्मा का नेचर है वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर है। वो किसी की, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत अड़ियल टाइप की वो लड़की है। वो किसी की बात नहीं सुनती, अगर कोई उन्हें समझाने भी जाता है तो वो अरे चल 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 चल, उनकी लैंग्वेज बहुत ही खराब है। जहाँ तक कि ये घर में सबको ही बोलता है, यहाँ तक कि बाहर जिनसे हम बात करते हैं वो सब भी, उनका नेचर किसी को पसंद नहीं आता। तो वो जो उन्होंने आज नॉमिनेशन में उनका नाम दे रहे हैं सब, सबका रीजन एक ही है, उनके बिहेवियर की वजह से सब उनको अड़ियल, इसी वजह से उनको उनका नॉमिनेशन में नाम दे रहे हैं। और उसके बावजूद आपने प्रोमो में देखा होगा वो फिर भी उसके बाद उनका जो एक नेचर है रूड वाला नेचर वो उसमें साफ दिख रहा। तो गैंग अप नहीं कहेंगे इसको, इसको ये कहेंगे कि अगर मुझे किसी का नेचर नहीं पसंद तो मैं उसका नाम जरूर लूंगी। बिल्कुल, तो ये कुछ फेरबदल चल रहे हैं। आखिर मैं आखिरी में कशिश से ही पूछना चाहूंगा कि टॉप 3 कंटेस्टेंट आपके हिसाब से अभी तक जो घर आपने देखा है, अभी तक दिल दिमाग और दम तीनों का, जिसमें चीजें तीनों एलिमेंट किस किस में, और कौन टॉप 3 होगा? 3, 2, 1 ऐसे बताइए। 3, 2, 1। थर्ड नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ओवरऑल तो ईशा, ईशा मालविया का गेम बहुत ही अच्छा है। वो बिल्कुल मुंहपट है, वो अगर मैं उनकी दोस्त हूँ अगर उनको मेरे अंदर कोई कमी दिखती है तो वो मेरे मुंह पे बोल देंगी, ये नहीं कि वो बैक पर बिचिंग फेक ही तो करेंगी। है ईशा, फेक किस सेंस में? बिल्कुल जैसे पहले उन्होंने वो अभिषेक को बोला कि कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नेशनल टेलीविजन में मैं बुरी ना बन जाऊं, उसके बाद फिर उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया। तो किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, ये तो गलत बात है। तो यही चीज तो मुनव्वर के साथ भी हो रही है, फिर मुनव्वर को भी यही बोलेंगे कि वो फेक है। मुनव्वर फेक, फेक नहीं मैं कह सकता अब ये, क्योंकि प्रूव नहीं लेकिन हुआ अभी तक, आयशा खान, प्रूव अभी तक आयशा नहीं हुआ। उन्होंने प्रूव कर दिया है, आयशा खान ने से उन्होंने माफी मांग लेकिन ली है कहने इन के सब मुनव्वर चीजों कह रहे की। हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने माफी, वो तो आयशा खान भी कह रही है कि वो उन्हें डेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ उन्होंने उनको उस चीजों में रखा हुआ था कि वो डेट स्टार्ट हाँ होने मैं ही हाँ वाले हाँ थे। बिल्कुल, तो उनकी जो बातचीत हो रही थी वो एक कहीं मतलब ना कहीं तीसरे पे डेट। आप ईशा कह रही हैं, सेकंड ईशा, पे अंकिता, सेकंड पे मुनव्वर, क्योंकि मुनव्वर की फैन मुनव्वर फॉलोइंग ज्यादा है कशिश, फैन फॉलोइंग ज्यादा है। फैन एमसी स्टैन फॉलोइंग भी तो एमसी वही, फैन फॉलोइंग में अगर से फैन गिरा। फॉलोइंग की बात होगी तो फिर हाँ मुनव्वर जीतने वाले हैं, लेकिन अगर गेम की बात ओवरऑल होगी गेम की बात होगी मुनव्वर बहुत सेफ खेल रहे हैं, वो और सबके कहीं ना साथ कहीं बना के कशिश खेल रहे मैं हैं। भी, और सलमान खान ने कहा था कि मुनव्वर को कि जिस तरह का से आपको लाया गया था, जिस तरह का काम आपको करने के लिए आया, आप वैसी गेम नहीं शो कर पा रहे, आप उतना
खुले जितना वो लॉकअप में दिखे थे उतना खुल के नहीं दिख पाए बिग बॉस में, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे से बोला है कि मैं यहाँ पे बिग बॉस में कोई अलग गेम दिखाने आया हूँ, और उनका वो अलग गेम यही है कि वो सबके साथ बना के चल रहे हैं, और जो ना वो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं। अब सेफ प्ले करने के चक्कर में ही बिग बॉस ने आयशा खान को अंदर भेज दिया, और आयशा खान के घुसते ही घर के अंदर उनके तोते उड़ गए उनके। अब वो मतलब जैसे वो बोलते थे एकदम एकदम चढ़ के आते, हाँ उनका सब बिल्कुल हवाइयां उड़ चुकी है। तो पहले नंबर पे आपने कहा कि अगर वोटिंग के जरिए बात होती है तो मुनव्वर, पहले नंबर पे अगर वोटिंग की कह रहा हूँ, हाँ वोटिंग के जरिए बात होती है अगर फैन बेस के हिसाब से देखा जाए तो मुनव्वर, लेकिन अगर गेम के हिसाब से तो अब ये जो तीन नाम दिए हैं कशिश ने, अंकिता, ईशा और मुनव्वर, आप इन तीनों को फाइनल में देखते हैं नहीं देखते अपनी राय जरूर दें। और कहीं ना कहीं जो बात की है कशिश ने, मुझे भी ये तीन नाम लगते हैं कहीं ना कहीं फाइनल में जाने के लिए, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बढ़िया अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।